नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज आपका क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का एग्जाम था, तो उसी एग्जाम के हम सारे आंसर की को लेकर के आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी के पिता के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आपका गॉटफ्राइड आकिनवाल। आगे है, सांख्यिकी का संबंध है, इसका संबंध जो है से आपका आंकड़ों से है। आगे है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं आपका एडम स्मिथ, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे है, जो समांग अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं कहलाते हैं, तो उसे हम लोग प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। आगे है, समाचार पत्र द्वारा प्राप्त आंकड़ा है, तो यह आपका होगा द्वितीयक आंकड़ा। आगे है कि संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए है? तो यह आपका जो है वो विजातीय समांग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, और आपका होता है एक प्रतिदर्श, वो होता है सजातीय के लिए। आगे देखते हैं, एक अच्छा न्याय दर्श हमेशा आधारित होता है, तो यह आपका हमेशा देव दर्शन पर आधारित होता है। आगे देखते हैं, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन कहलाता है, तो यह आपका कहलाता है प्रस्तुतिकरण। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीचिन आवृत्ति 8 को दिखाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है सो सही आंसर है। आगे देखते हैं, भारत में जनगणना होती है तो 10 वर्षों के बाद होती है। आगे है, अपवर्जी विधि के अंतर्गत, तो इसमें जो है से किसी भी वर्ग की उच्च वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। आगे देखते हैं, सवाल है कि एक वर्ग की निचली सीमा और ऊपरी सीमा का अंतर कहलाता है, यह हमेशा कहलाता है आपका वर्ग अंतराल, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे देखते हैं, वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य यह है, तो आंकड़ों का क्रमबद्ध व्यवस्थीकरण। आगे है मेरा सवाल, किस सारणी का मुख्य अंग है? तो सभी। सवाल है, ओजाई वक्र को कहते हैं, जिसे हम लोग जो है संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं। आगे है कि निम्न चित्रों को क्या कहते हैं? तो इसे हम जो है सो पाई चित्र कहते हैं। आगे है, चित्रमय प्रसंग सबसे सरल रूप है, तो यह आपका सरल दंड चित्र सबसे सरल रूप है। सवाल आगे है, बहुलक की गणना का आधार है, तो बहुलक की गणना जो है वो हम आवृत्ति आयत चित्र के आधार पर हम करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। आगे है, आयत चित्र है, तो यह आपका एक द्विविमा चित्र है। आगे है, ग्राफ द्वारा किसी गणना नहीं हो सकती, तो माध्य की गणना ग्राफ के द्वारा नहीं हो सकती है। आगे है, ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो इनमें से सभी आपका सही आंसर है। सवाल है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया? तो मिश्रित, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। आगे है, भारत की प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? तो आपका 1951 में। आगे देखते हैं, ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था, तो यह आपका अहमदाबाद में केंद्रित था। आगे है, निम्न में से नगद फसल कौन है? तो कपास आपका एक नगद फसल है। आगे है, महानोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया? जिसे जो है द्वितीय में अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। आगे है, राष्ट्रीय योजना आयोग की नियुक्ति की गई, तो 1950 में। आगे है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र मोदी। आगे देखते हैं, देश की लगभग कितनी आबादी कृषि क्षेत्र से आज को प्राप्त करती है? तो 3/4, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर है। आगे है, हरित क्रांति की शुरुआत कब होती है? तो 1966 से 1967 में। आगे सवाल है, हरित क्रांति में सम्मिलित है, तो यहाँ पर आपका इनमें से सभी हो जाएगा। आगे है, हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल की औसत उपज भारत में प्रति हेक्टेयर अधिक है? तो ऑप्शन नंबर 2 गेहूं। आगे है, वर्ल्ड बैंक का अन्य नाम है? तो IBRD। आगे है, टाटा स्टील कंपनी का टिस्को का फुल नाम है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। आगे है, नई औद्योगिक नीति कब आई? तो 24 जुलाई 1991 को। आगे है, नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया, तो इसमें जो है सो इनमें सभी को सम्मिलित किया गया था। आगे है, वर्तमान में भारत में कितने ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं?
तो इसमें जो है सो आपका दो उद्योग होगा, ऑप्शन नंबर आपका वन सही आंसर है। बात करेंगे आगे कि लघु उद्योग प्राय जो है सो ऑप्शन नंबर थ्री वन या दोनों में होते हैं। आगे हैं भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना की गई, तो इसकी स्थापना जो है वो 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। आगे देखते हैं विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया, तो इसका गठन जो है 1995 में किया गया था। आपका सारे इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में।